हाय दोस्तों, वन कॉर्नर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी पर्सनालिटी की जिन्होंने न केवल अपने देश का नाम रोशन किया बल्कि पूरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई। ये एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने पहचान तो बनाई ही लेकिन अपनी उदारता और अपने बड़प्पन से लोगों के दिलों में एक खासा जगह भी बनाई है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रतन नावल टाटा जी की। वैसे तो रतन टाटा साहब एक संपन्न घराने से नाता रखते हैं और उन्हें बचपन से ही सारे ऐश आराम मिले हैं, लेकिन फिर भी वो बचपन में थोड़ा परेशान रहते थे और उस परेशानी की वजह थी उनके माँ बाप का तलाक। वो सिर्फ 7 साल के थे जब उनके माता पिता एक दूसरे से अलग हो गए थे। रतन टाटा वादों को निभाने में विश्वास रखते हैं। उन्होंने कई गाड़ियों को लॉन्च किया लेकिन 2009 में एक ऐसी गाड़ी लॉन्च की जो हर भारतीय खरीद सकते हैं। उन्होंने वादा किया था कि वो एक सबसे सस्ती गाड़ी लॉन्च करेंगे, जिसके चलते कई भारतीयों का जिनका सपना है कि उनकी खुद की कार हो वो पूरा कर सकें। तो उन्होंने लॉन्च की थी नैनो कार और वो सपना सच कर दिखाया था। रतन टाटा पशु प्रेमी भी हैं, उन्हें कुत्तों से बेहद प्यार है, इसीलिए बॉम्बे हाउस आवारा कुत्तों के लिए एक विशेष कैनल है। रतन टाटा खुद कई पालतू कुत्तों को पालते हैं और वो अक्सर बॉम्बे हाउस जाया करते हैं देखने के लिए कि कुत्तों की देखभाल ठीक से हो रही है या नहीं। रतन टाटा की कई बातों से कई लोग प्रेरित होते हैं। उन्हीं प्रेरित बातों में से उन्होंने एक बार कहा था कि जीवन में उतार चढ़ाव हमें बनाए रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीवन में अगर उतार चढ़ाव नहीं होगा तो जिंदगी सीधी रेखा हो जाएगी। यानी कि ईसीजी में एक सीधी रेखा का मतलब होता है हम जीवित नहीं हैं। उन्होंने आगे कहा था कि मैं सही फैसले लेने में विश्वास नहीं करता, मैं पहले फैसले लेता हूँ और फिर उन्हें सही बनाता हूँ। टाटा साहब जितने बड़े कामयाब इंसान हैं उतना ही बड़ा उनका दिल भी है। टाटा ग्रुप बहुत से चैरिटीज का हिस्सा रहा है, या यूं कह लीजिए कि रतन टाटा साहब ने देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए बहुत बड़े प्रयास किए हैं और हम उनके प्रयासों के लिए उन्हें दिल से शुक्रिया कहते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रतन टाटा साहब की जिंदगी से जुड़े कई बातों पर, कई अहम बातों पर जो शायद ही आप जानते हों। आपको बता दें कि रतन टाटा साहब प्रोफेशन से इंडस्ट्रियलिस्ट, इन्वेस्टर एंड फिलैंथ्रोपिस्ट हैं। उनका जन्म 28 दिसंबर 1937 मुंबई में ही हुआ था। उनकी स्कूली शिक्षा की बात करें तो उन्होंने चैंपियन स्कूल मुंबई से पढ़ाई की थी और उसके बाद वो कैथेड्रल एंड जॉन कैनन स्कूल मुंबई में उन्होंने आगे की पढ़ाई की। डिग्री की पढ़ाई उन्होंने न्यूयॉर्क से की, बीएस डिग्री इन आर्किटेक्चर विद स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग फ्रॉम कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की। बीएस डिग्री हासिल करने के बाद उन्होंने एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम फ्रॉम हार्वर्ड बिजनेस स्कूल 1975 में कंप्लीट किया था। दोस्तों, रतन टाटा एक ऐसा नाम है जिसके बारे में कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उनका नाम पूरी दुनिया में मशहूर है। इन्हें कई लोग अपनी प्रेरणा भी मानते हैं। इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में वैसे कम ही बात की जाती है, लेकिन एक सवाल जरूर लोगों के मन में आता है कि इतनी सफलता हासिल करने वाले इस दिग्गज ने आखिर शादी क्यों नहीं की। इसका जवाब खुद रतन टाटा ने एक इंटरव्यू के दौरान दिया था और अपनी लव लाइफ के बारे में भी खुलासा किया था। टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन रतन नवल टाटा, जिन्हें दुनिया रतन टाटा के नाम से जानती है, उन्होंने बिजनेस के फील्ड में तो जो चाहा वो किया, लेकिन एक जगह ऐसी भी थी जहां उनकी चाहत अधूरी रह गई, रतन टाटा की शादी और उनके प्यार की कहानी। रतन टाटा ने खुद एक इंटरव्यू में इस बात का जिक्र किया है। उन्होंने बताया है कि किससे उन्हें प्यार था और वो कौन सी वजह थी जिसके चलते उन्हें शादी नहीं की। रतन टाटा ने अपनी मोहब्बत का जिक्र करते हुए एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें 4 बार प्यार हुआ, लेकिन चारों बार हालात ऐसे बने कि किसी ना किसी वजह से सिर पर सहरा बनते बनते रह गया।
उन्होंने आगे कहा कि अच्छी बात है कि शादी नहीं हुई, क्योंकि होती तो हालात ज़्यादा कठिन हो जाते। रतन टाटा जी ने अपने एक प्यार के बारे में बताया, जब वे अमेरिका में काम करते थे तो उन्हें एक लड़की से प्यार हो गया था। दोनों ने शादी का फैसला भी कर लिया था, लेकिन उस वक्त माहौल ऐसा था कि शादी नहीं हो सकती थी। वो वक्त था 1962 का, जब भारत चीन युद्ध चल रहा था। उस वक्त रतन टाटा भारत आ गए थे, लेकिन उनकी प्रेमिका युद्ध के चलते नहीं आ सकी भारत। आखिर में उनकी प्रेमिका ने किसी और से शादी कर ली थी, और तब रतन टाटा साहब का ये प्यार अधूरा रह गया। रतन टाटा कितने बड़े कामयाब बिजनेसमैन हैं ये तो सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रतन टाटा उतने ही अच्छे पायलट भी हैं? जी हाँ दोस्तों, रतन टाटा साहब के पास पायलट का लाइसेंस भी है और वो कई बार अपने विमान से उड़ान भरते आए हैं। आपको बता दें कि 2007 में F-16 फाल्कन उड़ान भरने वाले वे पहले भारतीय भी रह चुके हैं। हमारे YouTube चैनल वन कॉर्नर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बहुत सारा प्यार दें।